बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं सेव इंडिया के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मेन रोड स्थित होटल कैपिटल हिल में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में बच्चों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे कई एनजीओ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान प्रतिनिधियों के अपनी अपनी बात रखते हुए बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति ने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है वो बच्चों की श्रेणी में आते हैं और बच्चों की सुरक्षा का दायित्व एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रह सकता है। बाल अधिकारों के तहत बच्चों के 4 अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता के अधिकार मुख्य हैं। इन अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी मान्यता दी गई है। यह सभी जानते हैं कि बच्चे अपने पालकों के व्यवहार से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए एक उत्कृष्ट पालक बनना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वर्तमान की आधुनिक जीवन शैली में इस उत्कृष्टता का अभाव दिख रहा है। इसके कारण पालकों के पास अति व्यस्तता, संस्कृति और मूल्यों की गहराई को समझ न पाना होता है। बच्चों को समय न देने के कारण आवश्यक लाड़ प्यार करना भी हो सकता है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के समक्ष संतुलित व्यवहार कर बच्चों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से समझते हुए उन्हें समझाए। इसके अलावा बच्चों के द्वारा गलती होने पर भी उन्हें समझकर उन्हें सही गलत का दोनों का पक्ष समझाएं। अतः समझदार पालक बनकर भावी पीढ़ी के माध्यम से सशक्त प्रदेश का निर्माण करें। कहीं भी मतलब सिर्फ ईंट भट्टे ही नहीं, मतलब और भी चीज़ों में अगर बच्चे जाते हैं, ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, तो सब बच्चे फिर उसी दलदल में चले जाते हैं, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर बच्चे हम रेस्क्यू करके आ जाते हैं तो उनको फॉलोअप करने की जो बातें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉलोअप करने में कहीं ना कहीं वीकनेस या कमजोरी या चूक हो जाती है, जिसके चलते बच्चे फिर चले जाते हैं। अगर बच्चे कोई अगर रेस्क्यू हो गए हैं तो उनके साथ उनके लोकल जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोकल पार्ट है, उस पार्ट को डे टू डे उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो या लोकल प्रखंड के हो, वीडियो हो, तो वो डे टू डे कनेक्ट करना पड़ता है। उसके साथ जो उनका सब गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, उस स्कीम से उस परिवार को कोलैबोरेट करना, मतलब आच्छादित करना पड़ता है। तो वो एक हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कम मतलब छूटने, फॉलोअप छूटने के चलते, क्योंकि फिर से बच्चों को चूँकि जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, उस परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर से कुछ बच्चे फिर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे या तो KGBVA हो गया, या जो बच्चे जो रेगुलर गवर्नमेंट के टच में हैं या गवर्नमेंट के एजेंसी के टच में हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो सर्वाइव नहीं करते, वो बेहतर ज़िंदगी वो लोग जीते हैं। जो हम हैं ये ईंट भट्टा क्षेत्र में जो बच्चों को काम कराने का, बच्चों से मजदूरी कराने का जो एक एक गलत प्रैक्टिस है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे ये एक रीजनल बैठक है सेव द चिल्ड्रन NGO का, तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया है, वहाँ हम आए हुए हैं, बात करेंगे इस विषय। अगर हाल के दिनों में अगर आंकड़ा देखें तो जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी भी झारखंड से सबसे अधिक पलायन करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमको प्रशासनिक अधिकारियों के और सरकार के स्तर पे सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। आप लोगों को ये बताते हुए मेरे को ग्लानी ही है कि झारखंड के एक मामले को लेकर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है, जो पिछले वर्ष यहाँ मामला प्रकाश में आया था 2018 में, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से बच्चों को भेजा गया, उस तरह का आरोप था। उसमें आयोग की जांच में हमने कई सारे बिंदुओं पर काम करने के लिए राज्य सरकार को बोला था, और लगातार एक साल तक हमारी इंक्वायरी और इंटरवेंशंस के बावजूद भी जो रेप विक्टिम्स थीं जिनके बच्चों को भेजा गया और रेप विक्टिम्स को डिलीवर कराया गया और जिनमें FIR दर्ज नहीं की गई, तो वो राज्य सरकार के स्तर पे नहीं किया गया और हमको मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है इन बच्चों के लिए न्याय मांगने के लिए।